हरे कृष्णा माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है हेतल जी, जो हमारे चैनल की बहुत प्यारी सब्सक्राइबर और मेरी फ्रेंड भी हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके पास दो कान्हा जी हैं, उनके लिए उन्हें नजरिया बनाना है, तो मैं वीडियो के द्वारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और दिखा दूं कि नजरिया किस प्रकार हम बना सकते हैं, और नजरिया बनाकर भी दिखा देती हूं कि सिंपल वे में कैसे हम ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, कान्हा जी के लिए नजरिया बना सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स लिए हैं। सबसे पहले है थ्रेड, जिनमें हम मोतियों को पिरोएंगे। ये है सिंपल थ्रेड, इसके थ्रू भी हम नजरिए के मोती को पिरो सकते हैं। प्लस ये रेशम के थ्रेड्स हैं, जो भगवान की मालाएं बनाने में मोस्टली यूज कर सकते हैं हम। ये धागे दिखते भी हैं तो बड़े प्यारे और अच्छे दिखते हैं, और रेशम तो शुद्ध माना ही जाता है। अब ऑप्शन ये है कि हम इस तरीके के नायलन के धागे भी ले सकते हैं। ये प्योर नायलन का होता है, ये जल्दी टूटेगा नहीं। इसमें भी आप नजरिया पिरो सकते हैं और यहाँ एंड में नॉट लगाकर उसको हल्का सा हीट देके लॉक कर सकते हैं। अब आते हैं नजरिए के मोतियों को देख लेते हैं। मैं गोल्डन और ब्लैक मोतियों से नजरिया बना रही हूं। आप चाहो तो व्हाइट एंड ब्लैक मोतियों से भी नजरिया बना सकते हो। नजरिया बनाने के लिए ब्लैक मोती बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस ना करें। बाकी ऑप्शनल आप कोई भी कलर, गोल्डन या व्हाइट ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक गुच्छा मुझे 5 रुपए में मिला है। ऐसे मैंने 2 गुच्छे लिए थे, कुछ यूज कर लिए हैं, कुछ बाकी हैं। सिमिलरली गोल्डन कलर का भी एक गुच्छा मुझे 5 रुपए में मिला है। एक में बड़ी मोतियां हैं और एक में थोड़े से छोटे मोती हैं। और आप देख सकते हो ये ऊपर से गोल्डन पॉलिश नहीं है, ये अंदर में गोल्डन पॉलिश है, ऊपर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है। तो ये कलर कभी खराब नहीं होगा, फेड नहीं होगा इस तरीके के मोतियों के। इनको लेकर के मैं बनाऊंगी ठाकुर जी का नजरिया। अब डिजाइन आपको क्या देना है वो आप देख सकते हो। 2 ब्लैक 1 गोल्ड या 3 ब्लैक 1 गोल्ड, अल्टरनेट वे में कैसे भी आप पिरो सकते हो। मैं दिखाती हूं मैं कैसे पिरो रही हूं। सबसे पहले हमें मोतियों को अलग कर लेना है। यह है ब्लैक, यह है गोल्डन। आइए शुरू करते हैं नजरिया बनाना। मैं यूज कर रही हूं नायलन थ्रेड, इसमें नजरिया बनाऊंगी। ये थ्रेड मैंने लिया है, इसको इतने लेंथ में मैं कट लगाऊंगी। और एंड पे एक नॉट लगा देंगे हम, ताकि मोतियां जो पिरोई हैं वो गिरे नहीं। ये नॉट लग गया है। ब्लैक डिजाइन आप खुद चूज कर सकते हो। आपको ब्लैक कितनी मोतियां लेनी है, गोल्डन कितनी मोतियां लेनी है। मैंने 4 ब्लैक ली है, ये देखिए 4 है। अब मैं गोल्डन लेती हूं। एक ब्लैक ले रही हूं, फिर से एक गोल्डन ले रही हूं, एंड अगेन आई विल रिपीट। मैं फिर से 4 ब्लैक बीड लूंगी। इसमें थोड़ी सी मेहनत है या थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अपने कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं।
ये बीड्स आपको कहीं भी लेडीज कॉर्नर के शॉप पे मिल जाएगी, लोकल शॉप पे ये छल्ले ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए 10 रुपए ऐसे आ जाएंगे, और इसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं, बट ऑनलाइन आप देखोगे एक बॉक्स में ये भर के आते हैं और वो 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए ऐसे रहेंगे। ये दिखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है बट एक्चुअल बनाने में उतना सिंपल नहीं है। स्नाइलन के धागे को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और टाइम टेकिंग, तो आपके पास ज़्यादा समय हो तो ही इसे करने बैठिए। इतनी मोतियाँ मैं पिरोई हूँ, मैं काउंट करके बता देती हूँ। मेरे कान्हा जी 2 नंबर के हैं, काउंट करने से पहले एक डेड एंड पे हल्का सा नॉट लगा लें, अदरवाइज इतनी मेहनत बेकार हो सकती है। ये बीड्स बाहर गिर सकते हैं। चार चार के कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ग्रुप्स है चार चार के। एंड पे गोल्डन बीड्स है, इधर भी है, एंड पे गोल्डन बीड्स के सेट है। अगर आपके कान्हा जी 1 नंबर के हैं तो आप इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं, इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं, इतनी बड़ी नजरिया आपके कान्हा जी को आ जाएगी। मोतियों के साइज पे भी डिपेंड करता है। अब मैं इसे टाई कर दूंगी, ये मैंने टाई किया, इसको और टाइट करना होगा। अब इसको मैं फिक्सिंग करूंगी, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर दूंगी। ये नाइफ मैंने हीट कर लिया है, बस हल्का सा हमें इस पे टच कराना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आप टच कराओगे तो ये टूटने का डर रहेगा। अब मैंने इनके नॉट्स लॉक कर दिए। अब नायलन के धागे को अच्छे से प्रॉपरली कट करेंगे ताकि वो कान्हा जी को चुभे नहीं। और इनको भी मैं लॉक कर दूंगी। आई होप इससे आपको आइडिया मिल गया हो। इससे हम हाथ के कड़े, उनके कमर में पहनने वाले बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा घर पे, कान्हा जी बहुत प्यारे लगेंगे नजरिया पहनकर। हेतल जी, ये वीडियो रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे बाकी सब्सक्राइबर्स को, हमारे प्यारे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी और वो भी नज़रिया घर पे ही बना पाएंगे अपने हाथों से, और कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को पहना सकेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।